नमो आयर्या नमो वज्जाया नमो लोये सर्वसा नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचित मंगलम भगवान वेद मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रश्नोत्तरी का से समय, कोई प्रश्न है तो बोलिए। राजाओं के लिए केवल ज्ञान जरूरी, केवल ज्ञान मुनिराज के लिए जरूरी, सबके लिए जरूरी। केवल ज्ञान के बिना तो अंत ही नहीं है ना बहुभ्रमण। जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक आठों कर्म है। केवल ज्ञान होने के बाद चार गाति कर्मों का नाश होता है। वो मेन है, गाति कर्म मेन। अगर वो नहीं है तो फिर नए नए कर्म बंधन होते रहेंगे। केवल ज्ञान के बाद नए कर्म बंधन नहीं होता है, इसलिए केवल ज्ञान जरूरी है सभी जीव मात्र के लिए। केवल ज्ञान होना मतलब परमात्मा बनना, परमात्मा बनना जरूरी है। और कोई क्वेश्चन? केवल ज्ञान वही है, दुखों से छूट जाना वही केवल ज्ञान। जब केवल ज्ञान होता है तभी दुख दुख से छूट जाना होता है। तो केवल ज्ञान की अवस्था में भी आयु तो शेष रह जाती होगी, तो वो तो पूरा करते हैं। लेकिन वो अपने को संपूर्ण सुखी होने से रोक नहीं सकती है ना शरीर आदि। तो शरीर नाम थाम तो फिर भी हम केवल ज्ञान पा सकते हैं। परमात्मा के दो रूप है, सकल और निकल। शरीर सहित है वो अरियन भगवान है, केवल ज्ञान है लेकिन शरीर है अभी, क्योंकि चार अगाती कर्म बाकी है। सुख दुख में कोई फर्क नहीं, सुख तो है संपूर्ण प्रकट हो गया है, दुख तो नाम का भी नहीं। ज्ञान संपूर्ण है, वीर्य संपूर्ण है, शांति संपूर्ण है। शरीर है तो वो तो रोकता नहीं है हमारे, और परमात्मा जो चित भगवान है उनमें और अरियन भगवान में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ शरीर नहीं है और शरीर है इतना ही परमात्मा। आर्यन भगवान सकल परमात्मा, सिद्ध भगवान है वो निकल परमात्मा। आर्यन दशा कोई लंबी नहीं रहती है, जितना आयुष्य होता है उतनी रहती है। जैसे महावीर स्वामी को 30 साल की आयुष्य रही केवल ज्ञान के बाद। 30 साल तक समोसन लगे रहा और सबको उपदेश देते रहे। आखिरी में 42 साल में उनको आत्मज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ। 30 साल में उन्होंने दीक्षा ली, 12-12.5 साल तक उन्होंने तपस्या की और केवल ज्ञान हुआ 42 ईयर्स में। और 42 में, अभी बाद में 30 ईयर्स में 72 का राम आयु से पूरा 30 साल केवल ज्ञान सहित रहे। बस अरियन सभी होते हैं, तीर्थंकर सभी नहीं होते। जिस जिसको केवल ज्ञान होता है वो सब अरियन है, जमीन पे पैर नहीं रहते हैं, फिर अंतरिक्ष में अदर विराजमान होते हैं, 5,000 फीट ऊपर चले आते हैं अंतरिक्ष। भावलिंगी संतों के लिए भी कहा जाता है कि वो अधर ही चलते हैं, नहीं। वो जमीन टच नहीं, जिसको रुधि है वो, जिसको रुधि रहती है ना उनकी बात है। जमीन पे जमीन पे ही चलते
कोई कोई रुद्धि वाले होते हैं, वो तो बहुत लाखों करोड़ों में एक आध दो होते हैं, ऐसे पुण्यशाली होते हैं, तो वो चल सकते हैं अधर्म, सब लोग नहीं। उसको चारण बुद्धिधारी बोलते हैं, चारण बुद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं ना, वो हवा में ऐसे चार उंगल ऊँचे चल सकते हैं। उपसर्ग हो या ना हो, अगर अंतर मुहूर्त अंदर रह गया उपयोग कंटिन्यूस, केवल ज्ञान निश्चित है। नहीं देखो, शरीर का शरीर तो आयुष्य अधीन है, अगर हम लोग ध्यान में रहते हैं समझ लो, तो 45 मिनट हुआ नहीं, 45 मिनट तो क्या है, मैक्सिमम है। अगर समझो आपको मोक्ष जाने के लिए 20 मिनट का ही ध्यान काफ़ी है, तो भी आपको मोक्ष हो जाता है। किसी को ऐसा होता है कि 5 मिनट का ध्यान बाकी है सिर्फ, और मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि पुराने कर्म अभी है नहीं, तो आखिरी बार जब ध्यान करेगा तो 5 मिनट में मामला फिनिश, केवल ज्ञान हो जाता है। ये तो मैक्सिमम है, सभी कर्मों को जलाना है तो कितना ध्यान मैक्सिमम करना चाहिए, 45 मिनट। 45 मिनट अगर अंदर रह गया उपयोग कंटिन्यूस, तो केवल ज्ञान निश्चित है, वो समझना। लकड़ी काटते हैं ना, आधा काट लिया, एक फुट का लकड़ी आधा फुट तक काट लिया, तो बाकी काटने के लिए बाकी का समय लगता है। लेकिन किसी ने 95% काट रहा है, इतना ही बाकी है क्या, तो फिर वो पूरा काटने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो 2-4 मिनट उसमें पूरा कट जाता है। कितने कर्म बाकी है उसके ऊपर से स्थिरता बाद में इतनी करनी पड़ती है आखिरी के लिए। कभी कभी एक अंदर 1 मिनट के लिए गए और केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा भी, क्योंकि पूरे पहले ही खत्म कर दिया है मामला। लेकिन अगर समझो पूरे के पूरे कर्म बाकी है और हमको केवल ज्ञान होना है, एक भी कर्म कर्जा नहीं चुका है, भूतकाल के अनंत कर्मों का जितना भी कर्जा है ऐसा का वैसा है, और अगर हमको केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो उस जीव को मैक्सिमम अगर 45 मिनट तक अंदर रह गया ना, तो अनंत काल के जितने भी कर्म है ना सब खत्म हो जाते हैं, इतनी स्पीड है ध्यान में, इतनी ताकत है आत्म ध्यान में। ये उपयोग अंदर जावे और बाहर नहीं आवे, उसको धर्म ध्यान नहीं बोलते हैं, उसको शुक्ल ध्यान बोलते हैं। और शुक्ल ध्यान वो कौन सी अग्नि है, जबरदस्त, उसकी ताकत बहुत है, उसका वोल्टेज ज़्यादा है अग्नि का। नहीं, अपने शमशान में इलेक्ट्रिक में जलाते हैं, उसका वोल्टेज कितना रहता है, ये अपना घर में स्टोव में रहती है, ऐसी घर में नहीं होती, वो कैसी रहती है कि लोहा भी पिघल जाएगा अंदर जावे, वो तो कुछ नहीं इसके सामने। शुक्ल ध्यान में जो ताकत है वो इतनी है कि भूतकाल के जितने भी कर्म हैं पूरा जला के राख कर दे, वो आखिरी जो उपदेव बाद में कभी बाहर आने वाला नहीं है, तो उसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान, उसमें बहुत ताकत रहती है। अपने परमात्मा के साथ रहना और कभी भी नहीं बिछड़ना, तो कर्म जल जाते हैं, अंदर में रहना कर्म जल जाते हैं। जितनी बार अंदर जाओगे उतनी बार 8-10 को मार के आ जाओ, जितनी बार अंदर जाते हो उतनी बार कम होते जाते हैं, और जितना वो कम होंगे उतनी शांति अपने आप बढ़ेगी, शांति आनंद अंदर की स्थिरता या अपने आप ज्ञान, ये सब अपने आप अंदर से बढ़, अंदर से ही निकलता है खजाना पूरा। और कोई क्वेश्चन? जागृति में रहने से बुद्धिपूर्वक के जाते हैं, अबुद्धिपूर्वक जो भी है वो तो अंदर ध्यान में होगा, तो ही ऐसे अपने आप कम हो जाए वो अलग बात चलते रहते हैं। निर्विकल्प ध्यान हो ना आत्मा का, तो भी सम्यक दृष्टि को भी अंदर में राग द्वेष क्रोध मान माया लोग चलते रहते हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि जागृति में रहते हैं और अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष चल रहे हैं इसका पता भी चलता है, तो उनके प्रति कोई रिएक्शन नहीं आता, वो है क्रॉनिक है, वो कौन सा अबुद्धिपूर्वक कुछ इफेक्ट नहीं करते जब तक हम उसको अपना नहीं माने, जब तक वातावरण उसको विपरीत मिलेगा तो छेड़खानी नहीं हुई तो वो एक्यूट हो जाते हैं, बाकी जब तक वो कुछ नहीं करते सत्ता में पड़े रहते हैं। ऐसे अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष को हम छेड़ते नहीं है तो चलते रहता है, ये अबुद्धिपूर्वक के पूर्व के भी बंधन करते हैं,
वो फिल्म चलती है कंटिन्यूस। लेकिन बंधन तो ऐसे होते हैं ना राग आदि। हाँ बंधन होता है तो कितना बंधन होता है, मतलब बंधन का क्वांटिटी कैसा रहता है, बहुत तीव्र रहता है या वो आपका अनंत अनुबंधी गया है कि नहीं गया उसके ऊपर डिपेंड है। अगर ज्ञान दशा है कि नहीं है, अगर आपको ज्ञान दशा नहीं है और अज्ञान अवस्था है तो अनजाने में किए हुए कर्म मन में उसका भी अनंत गुना पाप है। आपको रोटी खाने का भाव नहीं आया लेकिन अंदर में चल रहा है अबुद्धि पूर्वक रोटी खाने, तो अनंत गुणा पाप है अगर आत्मज्ञान नहीं है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि मैंने भाव किया कि नहीं किया। जो जागृति रखता है तो मतलब उसको तो पता है कि भाई भार वो झुकना नहीं चाहता, बुद्धि पूर्वक तो झुकने की कोशिश झुकता ही नहीं है, जागृति में रहता है, अबुद्धि पूर्वक झुक रहा है उसी जागृति तीव्र जागृति में रहता है, इसके लिए अबुद्धि पूर्वक जो उसको भाव चल रहे हैं हमारे में ये भी एक भाव पड़ा था प्रसंग आने पर, जब तक अबुद्धि पूर्वक कौन से भाव चल रहे हैं पता नहीं। हाँ, तो जब पता चलता है तो उसके प्रति रिएक्शन नहीं देते, जागृति में तो रिएक्शन नहीं देते, भाव को देख लेते, लेकिन क्योंकि उसने चला करके ऐसा भाव कुछ किया नहीं है, वो तो सहज आ गया उसको उसने देख लिया जैसे अन्य भाव को देखता है, लेकिन उसमें उसको बंधन कितना होता है? बंधन तो होता है, ये जो भी आश्रय भाव है उसका बंधन तो होता है, कितना होता है वो केवली गम्य है, अपनी साधना कितनी आगे बढ़ी है वो हिसाब से। अगर हम ज्ञानी है तो वो हिसाब से, अज्ञानी है तो वो हिसाब से, श्रावक है तो वो हिसाब से, मुनियाज है तो वो हिसाब से, हमारे साधना की स्टेजेस के हिसाब से उसका बंधन है। साधना करना अपने हाथ में है, भाव अपने हाथ में नहीं है, लेकिन साधना करना अपने आत्मा में लीन देना, वो भाव को देख भी रहे हैं तो फिर बंधन कैसे होगा? नहीं देख रहे हैं तो उपयोग बाहर है ना, आत्मा को नहीं देख रहे इसलिए बंधन है, और भाव को देख रहे हैं इसलिए मालूम पड़ता है कि कौन सी गलतियाँ हैं, इतना ही। लेकिन बंधन तो हो रहा है अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, बंधन होता है। नहीं लब्धि अलग है, लब्धि का चैप्टर अलग है, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक माने क्या कि मन में वो भाव तो है लेकिन हमको पकड़ में नहीं आते हैं, जानने में नहीं आते हैं। बुद्धिपूर्वक माने क्या कि खाने के पीने के जो भी भाव होते हैं जितने भी मन में विचार आते हैं ये सब हमको पकड़ में आते हैं, कुछ पाप या पुण्य ऐसे होते हैं जो पकड़ में नहीं आते हैं तो उसको अबुद्धि पूर्वक कहते हैं, कुछ पाप और पुण्य के भाव ऐसे होते हैं जो हमको पकड़ में आते हैं तो उसको बुद्धिपूर्वक कहते हैं। लब्धि कोई अलग चीज़ है। आप इसे तो जो भाव आते हैं हमको अच्छे या बुरे भाव कभी आते हैं तो वो तो मतलब जो पकड़ में आ जाते हैं वो तो बुद्धिपूर्वक के भाव है। हाँ पकड़ में आते हैं बुद्धिपूर्वक, तो जो भाव पकड़ में आते हैं तो उसके प्रति अगर हम लोग कुछ भी रिएक्शन नहीं देते वो साधना है हमारी, कुछ भी रिएक्शन नहीं देते कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं वो साधना है हमारी। हाँ तो लेकिन वो भाव का मतलब जो साधना है हमने रिएक्शन नहीं दिया वो हमारी साधना है, लेकिन वो भाव तो आए उतना समय तो हम अंदर नहीं रहे तो उतना समय तो हमने बाहर देखा भाव को तो देखा होगा ठीक, वो जो उतना समय का जो भावों को देखने का या भावों का आने का जो बंधन है तो दोनों ही बंधन होगा, क्योंकि एक तो हम भाव को देख रहे हैं उसका भी बंधन होगा और क्योंकि अंदर में नहीं है, और दूसरा जो भाव आ रहे हैं उसका भी बंधन होगा, तो डबल बंधन तो होगा ही ना। जागृति में रहते हैं तो जो अजागृति में रहते हैं ऐसा बंधन नहीं होता है, हम बिना देखे चलते हैं और खड्डे में गिरते हैं और देख करके फिर होता है कुछ भी, तो उसमें फर्क रहता है कोई चीज का, तो बंधन बंधन में फर्क पड़ता है, आपको ज्यादा मार नहीं पड़ती है अगर जागृति में रहते हैं, जागृति में नहीं रहते तो बहुत प्रॉब्लम होता है। स्पीड ब्रेकर पे जो जाते हैं और मालूम नहीं है और चला दिए गाड़ी तो क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा जागृति में रहने का ये होता है कि भाई मार कम लगती है, भाई मार लगती है लेकिन कम लगती है और सावधानी और बढ़ जाती है देख के चलने की। सबसे बेस्ट फायदा तो ये कि जागृति में जब रहते थे उनको जो भाव आते हर अच्छे या बुरे भाव आए उसको जुड़ना ही नहीं होता, रिएक्शन ही नहीं आता कुछ भी, तो वो हम नया कर्म नहीं मानते हैं, नया जो तीव्र कर्म होते हैं अजागृति में रहने का वो नहीं बनता, वो ज्ञान हमको बचाता है, अपना ज्ञान अपने को बचाता है। उसका तो इससे विशेष तो उसका और कुछ करना नहीं, विशेष करना है तो फिर अंदर अपने परमात्मा में लीन हो जाए, बस वो एक ही उपाय है, अवलोकन नहीं कर सकते तो फिर वो आगे वो एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, दो ही उपाय है औषध विचार ध्यान, दवा तो दो ही है, या तो विचार करना या तो
ध्यान करना, विचार करना माने अवलोकन, ध्यान करना माने वेद ज्ञान। तो ऐसे होता है कि भाई जब ये भाव चलते रहते उसको जागृत में लेके गौर कर देते और अपने भक्ति का परिणाम चलते थे या अपने स्वरूप के कोशिश चालू होती कि देखें स्वरूप में जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई भाव आते हैं तो एक बार आ गया वो भाव तो गौर कर दिया, मतलब देख लिया छोड़ दिया, दूसरी बार आ गया देख लिया छोड़ दिया, तीसरी बार आ गया। लेकिन वही भाव जब बार बार आता है ना तब क्या होता है, पहले ऐसा होता कि वो जुड़ना होता था क्यों आया कहाँ से आया, तो रिएक्शन क्यों मुझे दूसरों की वजह से तकलीफ हो रही है, ये हो रही है, ऐसा सब रिएक्शन होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब वो भाव आता है तो दो तीन बार अगर वो भाव आ गया ना तो जितना फोर्स से वो भाव आया उतना फोर्स से अंदर जाने का प्रयास बढ़ जाता है, तो इसमें स्वच्छंद तो नहीं होता ना, वो लड़ाई चलती है। वो अनुभव प्रकाश में आता है विवेक मन और अविवेक मन, क्या जीव जागरूक नहीं है तो अविवेक है तो वो हार जाता है अविवेक के सामने, और जागरूक है तो उसमें विवेक जागरूक होता है, अविवेक के साथ उसकी कुश्ती होती है, अब जो जीतता वो सिकंदर। अगर हमारी जागृति हार जाती है तो वो हावी हो जाता है, और अगर हमारी जागृति बढ़ जाती है तो हम हावी हो जाते हैं। सब साधना के ऊपर है कैसे हम साधना करते हैं, और जितना हम प्रैक्टिस करते हैं जागृति में रहने का उतना उतना हमारी ताकत इकट्ठी होती है, बलवान होती है, उतना सामने वाला कमजोर पड़ता है। और धीरे धीरे पहली बार आया तो हमको ज़्यादा फाइट करनी पड़ी, लेकिन दोबारा आया तो कम फाइट में काम हो गया, फिर थर्ड टाइम आया तो देख के ही भाग गया अपना जवाब देख करके। हाँ। ऐसा भी होता है, फिर तो ऐसा होता कि अफेक्ट नहीं आता उसका कुछ, वो अपना बल बढ़े तो क्या नहीं हो सकता है बहुत कुछ। लेकिन फिर कभी ऐसा हो जाता कि अफेक्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन जो भाव आया है तो क्या ये सोचा तो नहीं है, करके ऐसा एक बार डाउट आ जाता है भाई, ऐसा तो नहीं है कि हम सोचे थे कि भाई वो जागृति में है कि नहीं उसका अवलोकन करके चेक कर लें, जागृति में है कि नहीं चेक कर ले तो मालूम पड़े। स्वच्छंद होगा तो अशांति मिटेगी नहीं, शांति मिलेगी नहीं, केयर नहीं रहे, लेकिन साथ में फिर जब ऐसा केयर नहीं रखते हैं तब हमको अशांति नहीं होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। एक अशांति रहती है कि भाव बार बार क्या, भाव बार बार वो एक ही भाव पर्टिकुलर बार बार क्या, क्यों आता है क्यों आता है, वो तो हमारा प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, हमारी साधना नहीं है, क्यों आता है वो हमारे को अधिकार नहीं है अपनी अवस्था में पूछने का। पहले ऐसा होता था कि क्यों आता है क्यों आता है, अभी नहीं होना चाहिए, अभी ऐसा नहीं होता क्यों आता है, आने दो हम देखेंगे। वो जितना फोर्स से आता है हाँ, तो जागृति में रहेगी तो पहले आप क्या है जैसे अन्य भाव को ट्रीट करते हैं ऐसा उसको ट्रीट करते हैं गौन करते हैं और अपना ध्यान अपने अंदर लगाते हटते नहीं यहाँ से। लेकिन फिर अगर वो बार बार आते रहता ना वो एक ही भाव तो क्या करते हैं, जितना फोर्स से वो भाव आया ना उतना फोर्स से हम अपने अंदर में भूसा निकाल लेते हैं, बस अपना जोर बढ़ा तो सामने सब हार जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि भाई क्यों आया कहाँ से आया, ये गड़बड़ थी, अभी ये गड़बड़ है, ये अपने पर्याय स्वभाव को चैलेंज करते हैं। जैसे त्रिकाण शाश्वत रहना हमारा स्वभाव है, वैसा पलटते रहना वो भी हमारा स्वभाव है, और एक स्वभाव दूसरे स्वभाव को चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ। ये भी परिणमन भी हमारा स्वभाव है, क्यों हो रहा है ऐसा, नो क्वेश्चन, और दुखी होगा तो दुखी होगा। अगर हम दुखी होने का कारण ये है कि परिणमन का जो स्वतंत्रता है उसको हम बांध के रखना चाहते हैं, उसको हमारा गुलाम बनाना चाहते हैं, तो इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल काम करने जाएंगे तो क्या होगा, दरवाजे से तो बाहर निकल सकते हैं लेकिन दीवार से कोई बाहर निकलने का प्रयत्न करें तो क्या होता है, अपना ही सर फोड़ेगा। परिणाम ऐसे क्यों है वो क्वेश्चन नहीं, अगर आपको ऐसे परिणाम नहीं चाहिए तो फिर आप एक काम करो, परिणाम को देखने के बदले किसको देखो, तो अगर ऐसा करते हैं कि भाई हमको जब भी ऐसा होता गलतियाँ होती है तो हम उसको नहीं देख करके रिपेयरिंग नहीं करके सुधारा नहीं करके और नेग्लेक्ट करके अगर हम स्वरूप को देखेंगे तो स्वच्छ नहीं है। एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, परिणाम में गलती हो रही है क्या, परिणाम में गड़बड़ चल रही है और हम उसको दुर्लक्ष कर देना तो होने दो, मेरे को क्या, मेरे को तो द्रव्य दृष्टि करना है करके वहाँ से नेग्लेक्ट करके उसको रिपेयरिंग नहीं करते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, उसमें सुधार नहीं लाते हैं, और फिर क्या करते हैं कि हमको क्या परिणाम है ना मेरे में थोड़ा ऐसा करके हम किसकी दृष्टि करते हैं स्वयं की, तो ये स्वच्छंद नहीं है, यही दवा यही तो दवा किया, जो परिणाम बिगड़ा
उसको रिपेयरिंग नहीं करने गया, टाइम वेस्ट नहीं किया, अनहोन जो नहीं होने का कार्य करने नहीं गया, बिना वजह दुखी नहीं हुआ, और उसका रिपेयरिंग करने का क्या कारण? अपने स्वरूप को देखना। तो रिपेयरिंग किया, यही रिपेयरिंग है कि परिणाम का लक्ष्य छोड़ करके, परिणाम सुधरेंगे कैसे? कि परिणाम का लक्ष्य छोड़ करके अपने स्वरूप का लक्ष्य करोगे तो परिणाम अपने आप सुधर जाएंगे। सूक्ष्म कर्तत्व भाव अभी पड़ा हुआ है चारित्र का, कि नहीं बिना वैसा नेग्लिजेंस करेंगे तो रोग बढ़ जाए, उसको तो भले जलाओ, ऐसा हुआ पड़ा है अंदर। दो तीन बार ऐसा प्रश्न होता है कि भाई क्या ये स्वच्छंद नहीं है करके, लेकिन फिर क्या होता है कि जब हमने देखा कि सपोज अगर हम व्यक्तिगत बात करें तो शब्द किसी व्यक्ति के प्रति हमको पहले द्वेष आता था, अभी उस व्यक्ति के प्रति हमको द्वेष नहीं आता, लेकिन अगर उसके प्रति कुछ खराब भाव आया हमको तो उसको हम देखते हैं चले जाता है, आता है चले जाता है, जब वो बहुत तीव्र से आता है तो हमारी साधना फिर तीव्र कर देता है। फिर क्या होता है जब हम बाहर आते हैं साधना करके, उससे तो फाइट कर लिया और बाहर आ गया, फिर अगर वापस उस व्यक्ति को जब देखते हैं ना तो हमको उसके प्रति द्वेष ही नहीं आता, जब उसको देखते हैं हमको कुछ भाव ही नहीं चलते। वरना पहले क्या होता था कि हम लोग वो भाव में क्यों आया करते थे, तो जब वो उस व्यक्ति को देखते थे तो और द्वेष आता था, और अलग अलग भाव कुछ ना कुछ लिंकिंग 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 अभिप्राय जमा हो जाता, व्यक्ति वो दोष का कारण नहीं था। हाँ, क्यों आया ऐसे द्वेष क्यों आ रहा, वो हमारी अपेक्षा है इसके कारण से द्वेष भाव आता है, पूरी नहीं होती है तो, और उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि आपने कौन सी अपेक्षा रखी है। अभी क्या प्रॉब्लम क्या है, अभी क्या होता है कि जब ऐसा हो रहा ना तो हम लोग ऐसा चेकिंग करते थे कि भाई जब हम वो सामने वापस व्यक्ति के पास जाते हैं तो बिल्कुल भी द्वेष भाव नहीं रहता, अंदर अंदर से नहीं रहता वो, इसीलिए कि हमने उसको व्यक्ति को चेंज करने की कोशिश नहीं की, अपने परिणाम को चेंज करने की कोशिश नहीं की, स्वरूप दृष्टि की, इसीलिए परिणाम में जो विकृति थी वो मिट गई। तो जब विकृति नहीं तो रिपेयरिंग क्या करना? हाँ, इसीलिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमेशा के लिए। वही सदगुरुदेव वही बोलते हैं कि अगर आपको कोई व्यक्ति तकलीफ देती है तो व्यक्ति को नहीं सुधारना, उस व्यक्ति किसको सुधारना कि अपने परिणाम में कौन सी अपेक्षा है वो देखना, वो डिजायर को खत्म करना। विजय को कैसे खत्म करना? स्वरूप दृष्टि के बल से। अभी क्या हुआ, एक बार जब ऐसा क्रैश की बात भी हो जाता है ये मान लो तो हमारी अपेक्षा ही इसमें मतलब रॉन्ग है, उसके बाद भी क्यों ऐसे होता है? नहीं, हमारा पुरुषार्थ इतना उस लेवल का नहीं है, इसीलिए तो हिम्मत नहीं हारना और ऐसी अपेक्षा मत रखना कि आज ही निकल जाए। हमारा ये एक प्रॉब्लम है ऑफिस, क्या एक तो गलतियाँ बहुत कर देते हैं, बहुत चिकने कर्म बांध लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि जब हम दृष्टि करें ना एक साथ निकल जाना, पहले चिकने कर्म नहीं बांधना था, अब बांधे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तेल के दाग कितना जल्दी निकलते हैं, अगर कपड़े पे तेल के दाग निकल गए आ गए तो क्या करते हैं, ज़्यादा रगड़ पट्टी करनी पड़ती, और मामूली दूसरे दाग होते हैं तो पहली बार में निकल जाते हैं। आपने गलती करके दाग बहुत ज़बरदस्त चिकना लगा दिया है और चाहते हो कि थोड़े से प्रयत्न में निकल जाए तो थोड़े प्रयत्न में नहीं निकलता है। और जब ये एक बार हमने प्रयत्न किया इस प्रकार का कि भाई स्वरूप में रहे और भाव से व्यक्ति का तो छोड़, व्यक्ति तो बहुत दूर रहेगा, अब सिर्फ फाइट हो गया हमारे भाव से और बार बार आते हुए भाव से और हमारे स्वरूप से, तो उसमें जो फाइट हुआ उसमें एक बार अगर सक्सेस मिल गया हमको कि भाई इस प्रकार से हमने विजय की और देखा बाहर में आकर कि अवस्था में भी अपने अभिप्राय में बिल्कुल प्रेम आ रहा है किसी के प्रति भी, मतलब कुछ तो एक बार एक से लड़ना आ गया ना। हाँ। तो बाकी सब प्रसंग में लड़ना आ जाता है, जो ज्यादा हमारे दुश्मन से तो हमेशा हमको फायदा ही होता है, कभी याद रखना, क्योंकि अगर एक से हमने लड़ लिया ना, क्योंकि लड़ने में ताकत चाहिए, और हम हारते हैं तो हार किसी को पसंद नहीं, कभी भी देखना, और हार पसंद नहीं तो क्या होता है कि हमको हमारी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है लड़ने की, और हमारी कैपेसिटी जो बढ़ गई है ना वो हमको एक दुश्मन से नहीं और ऐसे 8-10 दुश्मन से लड़ने के लिए काम आ जाती है, ये हमारा फायदा है। यस, और एक बार जीत हासिल हुई ना तो बहुत पावर बढ़ जाता है, बहुत पावर। लेकिन इसमें क्या होता है, एक बार एक प्रश्न आया था कि भाई क्या ये सोचने तो नहीं करके, एक प्रश्न आया, लेकिन फिर ऐसा देखा ना कि भाई अगर सचिन होता तो अशांति होती, और दूसरा जब वो वापस व्यक्ति हमारे सामने आता तो हमको वापस उसके प्रति द्वेष आता, लेकिन द्वेष नहीं था, प्रेम के भाव थे और अशांति बिल्कुल भी नहीं थी। तो एक बार ऐसा सक्सेस मिला, लेकिन और एक भाव आता है
कि हमको अभी भी जो आ रहे हैं भाव, भले ही हम उसे उनको देखते हैं छोड़े दें, बहुत रिलैक्स हो गया अभी, तो अवस्था की तरफ देखना ही कम होता है, बहुत एकदम रिलैक्स हो गए, एक ही जगह पे अपना कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह रख लिया, स्वरूप के पास देखना है, अवस्था को देखना ही है, बहुत कम देखते हैं भाव को, लेकिन फिर भी भाव का जो उठा पटक चल रही है उसका सबका अपने को नॉलेज होता है, तो उसका अंदर में खेद भी होता है कि भाई ऐसा नॉलेज अपने को ध्यान में है कि अभी भी भाव में उठा पटक है, अभी भी पूर्णता तो आई नहीं है, अभी भी पूर्ण चौके तो नहीं है जैसा अपना स्वरूप है। चौके क्या, अगर सही होते हैं ना, अगर हम अगर ये तो क्या है कि एक्यूट इलाज हो गया है, क्रॉनिक इलाज नहीं हुआ है। ये अभी जब जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं, सामने आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे में कोई तकलीफ नहीं होती है, हमारी अपेक्षाएं मिट गई, लेकिन वो जो घाव लगा है उसका दाग लगता है, वो दाग जाता नहीं है। तो ऐसी व्यक्ति से हम क्या करते हैं कि सामने से जा करके हाथ मिलाना, बातचीत करना, अभी मन में कुछ नहीं है लेकिन चला करके उससे बातचीत करना, जैसे दूसरों से सहज रहते हैं वैसा रहना, तो मुश्किल की बात है। क्यों? कि पहले का जो गांव है ना, गांव मिट गया है, दर्द नहीं है, मन में भी कुछ नहीं है, लेकिन निशान रह गया है। हाँ, जो भी समझो, वो हमारे को अभी जितने पहले जो निर्दोषता से जो मिलना होता था वो मिलना नहीं होता है। देखते ही वो पुराने प्रसंग का दाग रहता है, बच के रहो ऐसा हो। नहीं आ रहा है अभी, ये क्या हो रहा है कि भाई जब से देखा एक बार गलती हो गई अपने से, तो उसको अपने आत्मा को कितनी तकलीफ हुई ना, वो बहुत महसूस की कि भाई इससे अपने नुकसान कितना हो गया वो पता चल गया। तो हर एक साथ ऐसा हो रहा है, वो नुकसान कितना हुआ वो सद्गुरुदेव को मालूम था, सद्गुरुदेव ने समझाया भी था कि भैया आप अपनी अपेक्षाओं के कारण दुखी हो, नहीं कि वो व्यक्ति के कारण, इसीलिए आप अपनी अपेक्षा मिटा दो। लेकिन हमको बोलता, हमको सद्गुरु की बात वो अच्छी नहीं लगी, वो सही उपदेश था लेकिन हम अच्छी नहीं लग करके क्या किया, हमने अपने आप रिपेयरिंग करने का मनमानी से जो प्रयत्न किया उसमें हम क्या किए और उलझ गए। ये जो उलझना हुआ ना, ये गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ा, इससे और दाग जो है ना और गहरा हो गया। समझो कहीं गांव पड़ गया हो और सही इलाज नहीं करके अगर उल्टा इलाज किया दूसरा, तो गांव मिटता नहीं है, उल्टा इसका जो है ना फोड़ा और बढ़ जाता है। तो अगर उस टाइम में सदगुरु की आज्ञा से अगर चल करके अगर हमने उसको फोड़े को उनकी आज्ञा अनुसार मिटा देना, तो इतना गांव बढ़ता नहीं था। अभी क्या हो गया, छेड़ना हो गया, क्या होना। लेकिन अभी ऐसा है कि वो जो आप बोल रहे हैं ना कि दाग रहता था, ऐसा अभी नहीं है। अभी हमने देखा बैठना कुछ नहीं किया, तो एक व्यक्ति के प्रति तो क्या, लेकिन बाहर में हर सहयोग के प्रति, बाहर में हर सहयोग के प्रति एक अलग ही प्रकार का अपने आजू बाजू एक शहर जैसे निकाल लिया, जो भाई नहीं जाने नहीं है कुछ भी हो जाए, अगर कोई हमसे प्यार से ही बात करता है ना, तो भी डर के जो है ना, वो दाग है। नहीं, किसी से भी अपने अनुभव से सब सीख करके अभी लाइन ठिकाने पे तो आ गए, लेकिन अब दोबारा जब प्रसंग आते हैं मिलने जुलने के कुछ भी, तब हम उतने फ्री नहीं है जो पहले थे। हम एक गाँव हो गया है, क्या हो गया, वो डर बैठ गया है कि वापिस कहीं फिर से उलझना होगा ना कहीं भी, तो वापिस इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो उलझना नहीं है। एक तरह से ये डर नहीं है। हम उलझना नहीं चाहते हैं और फिर रिपेयरिंग करना नहीं चाहते, बच करके अच्छा इसलिए है और समझना, भले इसका सावधानी रखते हैं, इसका मतलब अंदर में तो है पर फ्यूचर के लिए अच्छा है क्या, लेकिन अभी हम कमजोर हैं तो क्या करना, कमजोर है तो बच के रहना अच्छा है क्या, उलझने से ज़्यादा तो फिर हम उलझे बाद में, फिर हम ज़्यादा मेहनत करें इसके पीछे, इससे तो हम दूर रहे तो अच्छा है। वो हमारी साधना के ऊपर, अब जब मुनिराज की स्थिति में आएंगे तब तो सामने वाला को उलझेंगे और हमको हैरान करेगा और फिर हमको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा पावर बहुत बढ़ गया है। अब तो हमको काट के रख देवे ना तो भी मन में भी वो गलत भाव नहीं आएंगे। नहीं, लेकिन अगर साधना बराबर है तो सावधानी एक के प्रति नहीं होगी, तो
साधन हर एक का प्रति होगी। इसीलिए मुनिराज को सारे जीव मात्र के ऊपर जो उनकी आंखों में प्रेम है, वो जंगल के जानवरों को ही पता चलता है कि ये मुझे हर्ट करने वाले नहीं है। हाँ। रेबिट आकर के इधर बैठ जाता है, उसको डर नहीं है कि पकड़ लेंगे तो। बिल्कुल भी ऐसे होता है, जितना अपने चेहरे पे जो अपनी साधना की जो शांति झलकती है ना, वो आँखों में उतर आती है। सबसे बड़ी बात क्या है, प्रेम कहाँ दिखता है? सामने वाला द्वेष करता है कि प्रेम करता है कि नेग्लेक्ट करता है कि ज़्यादा भाव नहीं देता है, वो कहाँ देखना? ये आँखों से हमारे अंदर में क्या छिपा है वो मालूम पड़ जाता है। मुनियाज की आँखों में क्या देखेंगे आप? प्रेम और करुणा की मूर्ति देखेंगे। किसी का भला नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, फिर भी आंखों में शांति झलकती है। आपने बोला कि दाग रह जाता है, दाग मिटने का कोई तरीका नहीं? द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि करके आत्मा का गुणों का विकास होगा तो मिटेंगे। हाँ, 100% तो मिटना कंपल्सरी है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ो, आगे का पूरा बंधन कर दिया। जब तक जीव मात्र के ऊपर प्रेम और करुणा दृष्टि नहीं आएगी इस प्रकार से, तब तक वो परमात्मा तो नहीं बन सकता। अभी वो प्रसंग को हमने सदगुरु की आज्ञा नहीं उठाई, ज्यादा गलत इलाज करके उसको और घोड़े को बड़ा बन के फिर इसकी पीड़ा भुगत करके फिर कैसे जैसे करके बहुत मेहनत करके उसको रिपेयर किया, उसमें हमारा पसीने निकल गए क्या समझे? पूरा हमारी साधना की पूरा माप तोल निकल गया कि हम कितने पानी में थे। वो धीरे 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 वो सॉल्व तो हो गया प्रॉब्लम, लेकिन दाग रह गया ना। तो दाग माने क्या? दाग रह गया इसका मतलब क्या कि वैक्यूम में कुछ नहीं है, न द्वेष है, न राग है, न प्रेम है, न कुछ नहीं है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में ये सारी उलझन की छाप पड़ी हुई है। होता है लेकिन इसका इलाज क्या? ये पकड़ने तो आता है। वो तो है, दिखता है साफ, आंखों से दिख जाता है। कोई कितना ही बोले कि मेरे मन में कुछ नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है, वो कहने की भाषा है, हकीकत में नहीं है, एक्यूट में नहीं है, बुद्धिपूर्वक नहीं है, हकीकत में नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से बोलता है कि मेरे मन में कुछ नहीं है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक में उसके छाप गिर गई, उसका क्या करूँ? एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में ऊपर से डिलीट कर दिया है तो भी हार्ड डिस्क में इंप्रेशन है, क्या करोगे? क्या अभी कहने के हार्ड डिस्क में है? अभी ये कह रहा था मैं कि भाई ये जब पता चलता ना कि अबुद्धिपूर्वक तो है, जागृति में रहते ना, तब ये अबुद्धिपूर्वक तो है, जब पता लगता तब उसमें उसकी जो कुछ और तो होता नहीं है, रिएक्शन और कुछ नहीं होते, लेकिन अंदर ही अंदर हमको ये अबुद्धिपूर्वक भी अपने में जो मविलता है ना उसके प्रति खेद होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे सदगुरु सब में समझ रख सकते हैं ऐसे हम क्यों नहीं रह सकते। उसके लिए आपको अपने आत्मा से उत्तर भी यही आता कि अपने आत्मा से प्रेम प्रेम नहीं है। अगर अपने आत्मा से प्रेम करोगे तो दूसरे में परमात्मा देखोगे तो प्रेम आएगा। अभी हम सबसे बात कर सकते हैं, दूसरों से जिससे हमको दाग नहीं हुआ है उन सबसे हम अच्छी तरह से बात करेंगे, अपने से गए भीतर से भी अच्छी तरह से बात करेंगे, लेकिन उनसे डर लगता है। उनके डर लगता है कारण क्या है? कोई जो दाग लग गए सबकॉन्शियस माइंड मन में नहीं है, एक्यूट नहीं है, बुद्धिपूर्वक नहीं है, कोई रोष नहीं है, कोई वो दूसरा उलझन नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन दाग लग गया है ना। अब वो निकालना बोले तो कैसा करना? ऊपर का मन में होता तो निकाल देते हैं, अभी अवलोकन करके, मिछामी दुग्रम करके, माफी मांग करके, पैर पढ़ ले करके, आरती उतार के, नारियल फोड़ के सर पे, लेकिन और मन में नहीं है, अब कैसे करना? स्ट्रॉन्ग नहीं, डर बैठ गया कि अभी अगर वापिस उलझना हुआ तो वो जो पीड़ा हमने सहन की है ना, उतनी पीड़ा हम सहन नहीं कर पाएंगे। डर डर के जीना है, मुझे ऐसे हुआ, इससे बेटर है कि हमारे में इतनी ताकत नहीं है तो दूर रहो ना भैया। अब आदमी से नहीं है, अब प्रॉब्लम क्या हो गया? हार्ड डिस्क में चले गए ना, प्रॉब्लम क्या हुआ? ये अपने जो दाग से ही प्रॉब्लम हो गया, निशान रह गया ना, अब प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ेगा। क्या अभी मुझे प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी है फिर, और पीड़ा भी है थोड़ी,
इतना हार्ड डिस्क में गया निकलता नहीं आपके स्पीकर अभी यहाँ पे ऐसा हुआ मुझे बहुत है मैं यहाँ पे मुझे ऐसा हुआ कि जब मैंने देखा कि भाई अबुद्धिपूर्वक तो है देखने पर उसका जो अबुद्धिपूर्वक का अंदर में खेद लगा कि भाई अभी भी कभी तो है नहीं खेद लगा खेद रहता है वो पराया दृष्टि है हाँ वो भी पता लगा तो फिर क्या हुआ कि ये खेद भी क्यों जो चीज मैं अबुद्धिपूर्वक कर रहा हूँ जिसका मुझे पता ही नहीं है तो मैं उसके प्रति अपने आप को दुखी क्यों करूँ ऐसे भाव नहीं करना चाहिए और दुखी नहीं कभी भी साधना में हमको भूतकाल को नहीं देखना है गलतियों को वर्तमान में जो आर्टिस्ट में पड़ा है उसको भी नहीं देखना है लाभ जो है सो अपेक्षा नहीं बढ़ाना नहीं बढ़ाने की पहले ऐसा व्यवहार हो ऐसी अपेक्षा नहीं बढ़ा रखना है हमारे क्या जैसा है एक्सेप्ट कर लेना और अपने पर्याय में ये जो दर्द है इस प्रकार का वो दर्द को भी नेग्लेक्ट करके द्रव्य दृष्टि करना है वो इलाज है और कोई इलाज लेकिन इसमें एक ही प्रश्न है कि सचेंस तो नहीं है स्वच्छंद तो ये है कि हम द्रव्य दृष्टि के बदले दूसरा दूसरा इलाज करने जाते हैं तो ये स्वच्छंद ये गुरु आज्ञा नहीं कोई भी प्रॉब्लम हो उसको द्रव्य दृष्टि के अलावा किसी और प्रकार से उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हो ये स्वच्छंद ये गुरु आज्ञा पे पैर रख करके चलना है और यही स्वच्छंद अभी अगर ऐसा सोचे कि भाई से दूर रहकर अपने को अपनी द्रव्य दृष्टि रखनी ही है उससे दूर रहने का भाव नहीं है एक्चुअली बस अपने को अपनी द्रव्य दृष्टि रखना है बाहर जो होना है बुद्धिपूर्वक है बुद्धिपूर्वक जो होना है हमको हमारे कुंडली से बंधे रहना है घड़ी घड़ी एक ही भाव आता है तो जो भी है इसमें क्या हो रहा है कि अपने आप ही एक वही बात पहले ही झटके में सतगुरुदेव ने कहा था लेकिन अभी क्या हमारे को खुद का एक्सपीरियंस चाहिए गुरु की बात नहीं चाहिए गुरु की बात पे अगर पहले ही भरोसा करते तो इतना झटके नहीं लगते लेकिन हमने जो ये मनमानी करके जो किया है ना कभी दाग आ गया तो इतना आसानी से मिटता नहीं 108 क्या 108 पत्र में खुलासा किया है गुरु ने 108 पत्र में खुलासा आ गया सब चीज़ का नहीं वो तो बहुत कुछ आ गया है 108 पत्र में उसके तो बहुत गहराई है लेकिन अभी हो चुका है ना अब उसका जो अंदर सामने होगा तो मार ले दुश्मन को सामने तो है नहीं वो तो गहराई में छिप गया है जब उदय में आएगा तब की बात है क्या तो अभी हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय द्रव्य दृष्टि और द्रव्य दृष्टि की ताकत बढ़ेगी ना तो अपने आप सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे अभी उसने हमारे कुछ गुणों को दबा के रख दिया है हमारे को नुकसान चालू है आज भी कि हमारे कुछ गुणों को उसने दबा के रख दिया है उसको ओपन नहीं होने देता कि हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है इसीलिए दोबारा कैसे ही प्रसंग में किस प्रकार से रहना उसका सीख मिल जाती है हमारे कैसे ही बना बने अच्छे बने बुरे बने कैसे भी प्रसंग प्रसंग तो रोज बनने वाले हैं तो एक प्रसंग बना है दूसरा तीसरा जीवन में बहुत प्रसंग आते हैं कभी ऐसा नहीं करना कि गुरु आज्ञा से विपरीत जा करके द्रव्य दृष्टि के बिना किसी और तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो नहीं करना ये द्रव्य दृष्टि नहीं रख करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने गए ना उसके दाग पड़ गए जो हमको अभी तक भुगतना पड़ता है हार्ड डिस्क में चले गया तो अभी तक भुगतना पड़ता है कब निकलेगा अभी हमारे पावर जब बढ़ेंगे तब की बात है तब तक तो सेव किया किसी और तरीके से मतलब अवलोकन से अवलोकन तो अच्छा है अवलोकन और वेद ज्ञान तो ठीक है लेकिन कर्तत्व भाव से कुछ भी करोगे इलाज तो गड़बड़ है लेकिन ताकि वो हम जा करके उसको बोलना प्लीज मेरे से बात करो क्यों नहीं करते हो क्या प्रॉब्लम है ये सब क्या है उसको हाँ वो छेड़खानी करना डालना नहीं है लेकिन जाती है तो फिर अवलोकन करो ना ऐसे भाव आते उसी वक्त जब एकदम शांत रहता है तभी नहीं होता कंटिन्यू तो ऐसा नहीं रहता है द्रव्य दृष्टि नहीं होती है तो कम से कम अवलोकन वाली दृष्टि तो रह सकते हैं क्या अवलोकन वेद ज्ञान ऐसा तो कर सकते हो वो नहीं करते हैं तो गुरु आज्ञा से बाहर हो और इसका ही नाम स्वच्छंद है इसका नाम विराधना है क्या उसका फल हमको भुगतना पड़ता है इसलिए चौथे गुणस्थान वाले पर तो तत्व ज्ञान तरंगिनी में ज्ञानी ही नहीं कहा
क्या हम बहुत कॉलर ऊंचा करके फिरते हैं, लेकिन गलत है वो। जब तक जीवन में अनुव्रत आदि नहीं आते हैं तब तक हम ज्ञानी कहलाने के लायक नहीं, खुली बात तो ये है। यहाँ पर भी नहीं आ सकते हम, एक हिसाब से देखा जाए फुलपाक जी भी नहीं आ सकते हैं। जिसके घर में अन्य देवी देवता का फोटो है उसके घर में पानी भी नहीं पी सकते हैं। वितराग के सच्चे उपासक कब, इतने सारे नियम रहते हैं लेकिन वो श्रावक की अभी उतनी बड़ी बात करें ना तो मैं नहीं समझता हूँ यार, दो चार जने भी रहे चलो ऐसा धर्म हमको नहीं करना है भैया। सस्ता सस्ता करो, सस्ता बहुत कर दिया है धर्म को, तुम कैसा भी करो लेकिन आत्मा को देख लो भैया, आज नहीं तो कल तुम्हारे में श्रावक दशा आएगी। क्या ये एक एंट्री के लिए एक बनाया गेट पास, बाद में सब नियम लागू पड़ेंगे क्या, थोड़ी आपकी मजा चखेगी ना बाद में, देखो भैया अभी आपको ये नियम लागू हुआ अभी ऐसा धीरे धीरे एक एक नियम घुसेंगे और वो फिर आप हंसी अपने विलिंगनेस से वो उसको पालन करो। गुरु जी क्या ये नियम किसी के बोलने से आते हैं या ऑटोमेटिक आते हैं? अपने फायदे के लिए ही होते हैं, भगवान के दर्शन करना है तो अपने फायदा होता है तो जाना होता है। तो ऐसे लगता है कि कुछ कुछ नियम ऑटोमेटिक हमारे अंदर सभी नियम ऑटोमेटिक ही आने चाहिए, नहीं तो करते तो वह भूल जाएगा, उसका क्या करोगे? बकरी को निकालने गया तो पीछे से बड़ा ऊंट आ जाएगा पीछे, वो ऑटोमेटिक आएगा तो पहले नियम आने से पहले नियम को निभाने की कैपेसिटी आ जाएगी। हां नियम तो बाद में लेना है, पहले तो हमारे को वो बिना नियम से भी वो नियम पाले जैसा व्यवहार हो जाना चाहिए। नहीं पूरा करेंगे आने का सुख धाम अनंत सुशांत चली दिन रात रहे तद ज्ञानमयी पर शांति अनंत सुधामय करीब करीब मैं समझता हूँ 12-15 साल की उम्र के बीच नीचे 8-10 उतने में रस रंजन आता था, देखो जगमग रस रंजन और वो लंका निलाड़ी ने गोगान ओवर मियाँ फुस्की ये सब बहुत पढ़ने का शौक था। कहानी अड़ू कुदड़ी क्यों तो मेरा फेवरेट था बिल्कुल, तो मैं बहुत पढ़ता था तो उसमें एक कहानी आई थी, वो उसका नाम तो मैं भूल गया अभी पूरा, लेकिन वो धोबी था, वो गांव के बाहर छोटी सी झोंपड़ी थी वो रहता था, वो उसका क्या हुआ कि वो गधा था ना वो 3 दिन से घर छोड़ के भाग गया किधर, और पूरा काम उसको करना पड़ता था लेके आना और बहुत इतना गुस्सा अंदर बढ़ रहा था उसका क्या कि वो हार्ड डिस्क में चले गया गुस्सा अब क्या हो बेचारा बोल तो नहीं सकता, वो काम तो करना पड़ता ऑर्डर के कपड़े धोने वगैरह सब, गद्दे पे इतना गुस्सा आ रहा है पूछो नहीं। रात को वो आया थक करके नींद ऐसी अच्छी फटला लगा गई, इतने में क्या हुआ रात को करीब 2 बजे वो बाहर निकला होगा पेशाब पानी करने के लिए, तो वहाँ उसकी झोंपड़ी के बाजू में एक जानवर बैठा था, उसको ऐसा दिन में था कि वो भूखा रहेगा तब आएगा मेरे पास ही, कहाँ जाएगा तब देख लूँगा उसको। उसने क्या किया उसको देखा ना धोखा लिया हाथ में ये धनाधन आगे नहीं देखे पीछे नहीं देखे तो तेरे की इसको तो आज ख़त्म ही कर देने का, सबसे पहले वो जो है ना सर पे आया धक करके दो चार सर पे डाल दिया तो उसका तो दिमाग फिर वो काम नहीं करता है इसका जानवर का, उसको ऐसा कहते ये मेरा गधा ही है, वो गधा नहीं था वो असल में वो शेर था
उसकी हालत देखो, अभी तुमको मैं खाना कैसे खिलाता हूँ देखना था। तो उसका दिमाग काम नहीं करता ना, इसने बड़ा दासी लेकर के गले में बांध करके बांध दिया उसके साथ झाड़ के साथ क्या अब तेरी खैर नहीं है करके, अब कल से खाना नहीं दूंगा 3 दिन तक, इतना काम करना पड़ा तेरे वजह से, मजा करके सो गया। सुबह उठा ना तो ये करके उसका दिमाग फट गया कि क्या कर दिया मैंने, और वो भी भाग नहीं सकता, और वो शेर को मालूम है कि कौन मार रहा है, तो वो भी इतना डरा हुआ था अभी क्या कि भाई इसको तो मुंह नहीं लगना, उसको मुंह लगे तो परेशानी थी, तो सामने देखे तो नीचे मुंडी कर लेता है, ऐसा बात नहीं करता उसको, उसको जो त्राड़ मारना गर्दना करना सब भूल हवा बंद हो गई उसकी, हवा उसी शेर की बंद हो गई। तो गद्दे का जो गद्दा भी नहीं माने, उससे भी मियाँ मुंडी होकर के वो जो बोले वो काम करने लग गया, उसमें भी हिम्मत आई कि डरता है कुछ बोलता तो नहीं है, तो लगाओ ना दो चार झपट, तो भी कुछ बोला नहीं, वो दो चार झपट मारा तो भी वो शेर कुछ बोला नहीं, तो उसका तो पूरे गांव के अंदर डंका बज गया, साला ये कमाल है, एक बार वीर ये महावीर है, ये शेर को पकड़ लेता है गधे के जैसा काम कराता है क्या, और शेर समझ गया इसके सामने कुछ करूंगा तो दो पट देगा, दो चार दो जैसा बोले ऐसा भी कपड़ा रखता है रख देता है इसके ऊपर, उसका गुलाम हो गया बिल्कुल पक्का, पूरे गाँव गाँव में खबर फैल गई उसकी, राजा तो उसको देख करके वो बोला क्या नाम गांव का नाम बड़ा कड़ा किया तुमने, बहुत बड़ा वीर पुरुष है, चलो अच्छा है हमारे गांव में ऐसे भी है कोई वीर पुरुष कि हमारे राज के ऊपर कोई नज़र भी नहीं डालेगा क्या, लोग घबरा जाएंगे, पेपर में डिक्लेयर कर दिया कि है कोई माई कला आ जाओ हमारे पास ऐसे है वीर, शेरों को पकड़ लेते हैं गधे के वहाँ भी काम करते हैं, हमारे धोबियों में इतना है तो हमारे और किसी में क्या, और मजा क्या है फिर तो, लेकिन फिर सब लोग को ऐसा लगा कि वो एक ही काफी है, एक ही काफी है, इतने में आया दूसरा राजा, देख लेता हूँ कौन है तुम्हारा, लश्कर लेके आ गया ना, तो बोला कि अभी सब लोग कांपने लगे कि इससे तो अपन पहुंच नहीं सकते, तो है ना अपने पास वो उठा उसको वो मेरे को नहीं जाना है मारने के लिए नहीं, अरे अपने गांव के ऊपर आपत आई है राज के ऊपर, अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, तुमको ही सेनापति बनाएंगे हम, और तुमको ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है भैया, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको मालूम था मौत नक्की है, अब आप जिंदा आने वाला नहीं हूँ, अब मरना नहीं चाहता हूँ, कि नहीं तुझे जाना पड़ेगा, तो नहीं मुझे सेनापति बनना ही नहीं है ना क्या, नहीं चाहिए मुझे महल भैल कुछ नहीं चाहिए, नहीं तुझे बनना पड़ेगा, देश में आफत आई है और तुम घर में बैठे रहो क्या चलता है, और तेरे जैसा तो बहादुर कोई है ही नहीं अपने गांव में, तो मरा तू ही क्या, तेरे पीछे हम हैं, और पहले इनाम भी ले लिया था, हाँ इनाम भी लिया तो अभी वो नाक भी थोड़ा हो, तू सेकंड संकित हो गया है थर्ड संक परेशानी में, अब मेरे से नहीं होता है ऐसा तो भी नहीं चलता, अभी तो अपने खुद ही शर्म से डूब आ जाता है, और आखिर वो लेकिन मरने को तो किसी को इच्छा नहीं होती, आखिर जबरदस्ती उसको बिठाया घोड़े के ऊपर बांध दिया, उसको बांध दिया अच्छी तरह से, तुम और हाथ में दे दिए तलवार, तो पकड़ भी नहीं सकता उसका वजन भी नहीं पकड़ रहा तलवार का क्या, भगाओ घोड़े को घोड़ा भागाओ, वहाँ सामने सब उनका लश्कर है, ये तो बोला अब तो खत्म मौत ही है, अब मैं क्या क्या करूँ, मैं कैसे बचूँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा करके वो सोच रहा है, तलवार तो फेंक दिया कि इतना वजन क्यों उठाया, तो मरना है तो वजन लेके क्यों मरा, तो तलवार तो फेंक दिया उसने, अब उसको बांध दिया था घोड़े का, घोड़ा भाग रहा है, बीच में आया झाड़ क्या झाड़ को पकड़ लिया, लेकिन आश्चर्य की बात है झाड़ ही उखड़ गया सामने वाले देख रहे हैं कि वाह ये तो इसके सामने तो हम ठीक हो भैया, जान बचाना है तो भागो सब भागने लगे, अब इस पे कोई दम तो था नहीं क्या, देखिए ऐसा वो इतना जोर से पकड़ लिया झाड़ को और आंख बंद कर लिया था, जय राम क्या, वो झाड़ के समेत वो भाग रहे घोड़े के साथ, घोड़ा बहुत मजबूत था तो उसको झाड़ का भी बार संभाल लिया,
लेकिन सामने सब भागने लगे। आया कोई लड़ने को नहीं आया, सब भाग गए थे। घोड़ा वापिस आया, ओ जय हो जय हो माँ सेनापति की। राजा तो राजी राजी हो गया, उसको बड़ा बना दिया उसको, लेकिन उसमें खुद में कोई दम नहीं था। ये बात है इसके अंदर, वो बात अचानक याद आ गई। किस बात पर याद आई मेरे को याद नहीं आ रही। अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पैदा। Everything is well, that ends well. इसका एंड अच्छा है ना, स्टोरी सुधर गई, बस उसका काम सुधर गया है।